यशराज स्पाइक यूनिवर्स की टाइगर 3 दिवाली पर सिनेमा घरों में धमाल करने के लिए तैयार है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के कई एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। फैंस टाइगर और जोया की सिजलिंग केमिस्ट्री का कमाल बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए बेताब है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख खान का कैमियो भी एक वजह है जिसने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रखा है। अब खबर ये आ रही है कि मेकर्स फैंस के लिए एक और सरप्राइज लेकर हाजिर हो गए हैं। आपको बता दें कि टाइगर 3 यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। मोटे बजट में बनी इस मूवी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो कि कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। फिल्म का दमदार ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें आतिश बने इमरान हाशमी विलेन बनकर सामने आए हैं। उनकी झलक देखने के बाद फैंस ने ये बात पक्की कर दी है कि नवंबर में टाइगर 3 का बोलबाला देखने को मिलेगा। वही अब एक और एक्टर के फिल्म का हिस्सा होने की खबर सामने आ रही है। आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्मों में रोमांस और एक्शन का अच्छे से तड़का लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म टाइगर 3 में पहले से 2 गुना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में वॉर के कबीर यानी कि ऋतिक रोशन का भी कैमियो होने वाला है। यशराज स्पाई यूनिवर्स के तहत पठान, वॉर और अब टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। इंडिया में 3 बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्में इस यूनिवर्स का पार्ट है और अब तीनों एक ही मूवी में नजर आने वाले हैं। वही आपको बता दें कि टाइगर 3 फिल्म की एडवांस बुकिंग विदेश में शुरू हो गई है। वही इंडिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग 5 नवम्बर से शुरू हो रही है। मूवी को वर्ल्ड वाइड तमिल, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।